महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में यदि हम बात करें छोटे बच्चों की, तो उन्हें भी इस तरह की जो संक्रमण है इसका खतरा बना हुआ है, लेकिन बच्चे इस बीमारी को बोलकर नहीं बता सकते। हालांकि इसको जो बीमारी है इसके लक्षण का पता लगने में ही 14 से 15 दिन लग जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस समय मैं मौजूद हूँ रेनबो हॉस्पिटल के डॉक्टर गिरीश अरोड़ा जी के साथ, जो एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, और वो बताएंगे कि किस तरह से घर पर बच्चों की हम सुरक्षा रख सकते हैं और किस तरह से हम इस बीमारी से बचने के जो उपाय हैं वो घर पर ही कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं इस समय डॉक्टर गिरीश अरोड़ा जी से। नमस्कार सर। सर, टाइम्स ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। और मेरा जो इस समय आपसे ये बातचीत में मैं आपसे ये बातचीत करना चाहूंगी, इस समय जब हमारे देश में इस महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, वही हमारा देश भी इससे मतलब कि अलग नहीं है। ऐसे में हमारा जो सबसे बड़ा सवाल इस समय ये बनता है कि जो छोटे बच्चे हैं वो बोल नहीं सकते। हालांकि घर में सभी अपने बीमारी को हम लोग बता सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे अपने शब्दों में बता नहीं सकते। ऐसे में उन बच्चों को कैसे हम इस बीमारी से दूर रख सकते हैं, और हम कैसे पता लगाए कि बच्चा पॉजिटिव है या फिर उसमें कुछ किसी तरह की दिक्कत चल रही है, इस चीज का पता कैसे लगेगा? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मुझे आपके माध्यम से इस बारे में इस विषय पे बोलने का मौका मिला है। बच्चों में कोरोना वायरस के लक्षण बड़ों से कोई ज्यादा फर्क नहीं है, और दूसरी दिक्कत वाली बात ये भी है कि जो नॉर्मल फ्लू के लक्षण है वो ऑलमोस्ट वैसे ही कोरोना वायरस के लक्षण देखने को मिलते हैं। उसमें तेज बुखार, खांसी, सांस में दिक्कत और हाथों पैरों का नीला पड़ना। तो ऐसे में छोटा बच्चा जो है, हम ये मान के चलते हैं कि अगर वो बच्चा घर पे है, जैसे आजकल स्कूल कॉलेज सब बंद है, तो ऐसे में अगर वो बच्चा घर पे है तो वो बाहर से जाके खुद तो वो कोरोना वायरस में की चपेट में आएगा नहीं। हाँ, ये जरूर है कि घर का कोई ऐसा इंसान जो अंदर बाहर कर रहा है, अगर उसको कोरोना हो गया या वो संक्रमित हो गया, तो वो छोटे बच्चे को घर में आके वो भी संक्रमण दे सकता है। तो ये मान के चलिए कि अगर बच्चा इन्फेक्टेड है तो कोई ना कोई घर का बड़ा भी उसके साथ इन्फेक्टेड है, बल्कि पहले बड़ा इन्फेक्ट होगा वही घर जाके बच्चे को इन्फेक्ट करेगा, बशर्ते बच्चा घर पे रहने वाला हो, बाहर आने निकलने वाला ना हो। इसके अलावा जो भी रूटीन के सिम्टम्स हैं, जैसे तेज बुखार आना, दूध ना पी पाना, खाना पीना छोड़ जाना, उल्टियाँ आना, सांस लेने में दिक्कत होना, खांसी ऐसी होना कि जो रुके ना, तो इस तरह के लक्षण आने पर तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं। ऐसे सिर्फ घर पे बैठे रहने से ऐसे बताना बड़ा मुश्किल है कि वो कोरोना है कि नहीं, और जरूरत पड़ने पे जो सरकार द्वारा जो नियोजित लेबोरेटरीज है उसमें उसका टेस्ट करवाना चाहिए। सर, मैं जानना चाहूंगी कि अभी हमारे जो यहाँ पर बच्चे हैं, आप बोल रहे हैं कि उनकी जो ब्रीथिंग है इसमें प्रॉब्लम आती है, बट जो बच्चे हैं उन्हें भी पता नहीं लग सकता ना कि उनको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ रही है नहीं आ रही है, ये तो हम बोलकर बता सकते हैं इस चीज को। तो ऐसे में परिवार वाले कैसे जानेंगे कि बच्चे को सांस लेने में दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही है? देखिए, पहली बात तो जो अगर छोटा बच्चा है, जो गोदी वाला बच्चा है जिसको इस बारे में नहीं मालूम, वो उसका इस तरह से मतलब आप मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को कि वो किस तरह से समझा पाएंगे। बेसिकली जो बच्चा अब तक नॉर्मल था, दूध वगैरह पी रहा था, खा पी रहा था नॉर्मल, थे उसको कोई बुखार नहीं, कुछ नहीं, अचानक वो दूध पीने से मना कर देता है, सांस दिखने लग जाता है कि छाती तेज चलने लग गई है, छाती से आवाज़ें आने लग गई हैं, तो ये बताने वाली बात नहीं है। जो घर में उनके पेरेंट्स हैं, जो उनकी जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं रहने वाले, उनको पता चल जाता है कि कोई ना कोई दिक्कत हो रही है। तो नॉर्मल बिहेवियर से हट के अगर कुछ भी ऐसे सिम्टम नज़र आते हैं तो डॉक्टर को, तो आपको बच्चे को जल्दी दिखाना पड़ेगा। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप घर पे बैठे उसके बारे में कुछ एक राय बना सकें। जान है तो जहान है, ये जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया, उसके बाद सभी लॉकडाउन को फॉलो करने में लगे हैं, कोई भी लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करना चाहता। इसी के साथ कहा गया कि कोई भी बेफिजूल में अस्पताल ना जाए, अस्पताल के चक्कर ना लगाए। हालांकि अभी घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी हो जाता है, लेकिन डर इस चीज का रहता है कि कहीं हो या ना हो, लेकिन अस्पताल में संक्रमण का खतरा जो है सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसे में जो इस समय लेडीज प्रेग्नेंट है या फिर बहुत छोटे बच्चे हैं जिन्हें अभी डॉक्टर्स की जरूरत है, अस्पताल में डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस की जरूरत है, तो वो लोग इस समय पर क्या करें? देखिए, ऐसे में बेहतर तो यही है कि अगर हो सके छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो उसको टेलीमेडिसिन द्वारा या अपने डॉक्टर से फोन पे बात करके उसको सुलझा लिया जाए, बजाय कि अस्पताल जाने का जोखिम उठाया जाए। अस्पताल को कहीं भी बाहर पब्लिक प्लेस पे जाने का तो आज की डेट में हर जगह जोखिम है ही है।
लेकिन कई बार जरूरी नहीं कि ये हम एक बीमारी की बात कर रहे हैं, हम यहाँ खाली कोरोना वायरस बीमारी की बात नहीं कर रही, और भी 100 तरह की बीमारियां हैं। अब वो है कि नहीं है, हर बार पॉसिबल नहीं होता कि जी फोन पे उनका सोल्यूशन हो जाए। तो अगर नहीं आराम आ रहा या नहीं बात बन रही है तो एक स्टेज के बाद आके डॉक्टर के संपर्क में आना ही पड़ेगा। और दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि ऐसे में आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो एक्सपोज्ड हैं या सबसे ज़्यादा खतरा, वो डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ही है, क्योंकि उनको ना चाहते भी, बाकी लोगों के पास तो फिर भी ऑप्शन है कि हम नहीं जाएंगे, हम घर में बैठ जाएंगे, उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है। वो क्या कर सकते हैं अगर वो काम, इस टाइम पे अगर ये सब लोग काम नहीं करेंगे तो बाकी लोगों को ध्यान कौन देगा, कैसे कर चलेगा? ऐसे में एक जो मैंने देखा है कि इस समय जो ज्यादा लोग फेस कर रहे हैं कोरोना की वजह से, जिन लोगों को कुछ अदर डिसीज है उस वजह से भी लोग, वो लोग जो है हॉस्पिटल्स नहीं जा पा रहे हैं या फिर घर से निकलने में उनको दिक्कत हो रही है। ऐसे में जो दूसरी बीमारियों की है, मानने में किसी को मतलब कि डिस्क में प्रॉब्लम है, नेस में प्रॉब्लम है डिस्क को लेके, या फिर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, ऐसे में एक उनको एक दायरा बन गया है कि हमें घर से बाहर नहीं जाना, और अस्पताल जो है वो भी पूरी तरह से अभी तक खुले नहीं है। तो ऐसे में वो लोग क्या करें, उनके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? देखिए जी, सुझाव तो फिर भी वही है कि जहाँ तक हो सके हॉस्पिटल विजिट्स को या घर से बाहर निकलना अवॉइड किया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग के जो मेजर्स हैं, क्योंकि ये बीमारी अभी ऐसी, इसका ना कोई तोड़ है ना कोई इलाज है, तो जब तक ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं आ जाती, वैक्सीन हाथ में नहीं आ जाती, प्रॉपर दवाइयाँ, प्रॉपर इलाज हाथ में नहीं आ जाता, तो इन चीज़ों का पालन तो करना पड़ेगा, जीना इसके साथ सीखना पड़ेगा। और ये नहीं है कि अगर भी 2-4-5 दिन में बस अगर हम घर के अंदर बैठ गए तो ख़त्म हो गया, नहीं, ऐसे नहीं होने वाला, ये लंबा चलने वाला, लंबी लड़ाई की तैयारी है ये। तो ये कोई कुछ दिनों या कुछ हफ्तों की बात नहीं है, ये लंबा हमें चलना है, और ऐसे में जितना हो सके अपने आप को संभाल के चलें, जितना हो सके इन चीज़ों को अवॉइड करें। बाकी कहीं जगह कई बार बात ऐसी हो जाएगी, अब किसी की डिलीवरी होने वाली है तो घर में नहीं हो सकती, शी हैज़ टू कम टू द हॉस्पिटल, तो कुछ अनअवॉइडेबल रीजंस होते हैं जिसमें कोई मतलब जिनका अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो वो करना पड़ेगा, देयर इज नो चॉइस होता है, बाकी जितना हो सके अवॉइड कीजिए, मैं तो यही कहूंगा। जानना चाहूंगी आपसे एक और मतलब कि किस तरह से लोग घर पर रह के अपना जो कोरोना है इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या ऐसे कोई अभी तक आप बता सकते हैं कि ऐसा कुछ हो जिसे हम घर पर ही इसका ट्रीटमेंट कर सके? नहीं, अभी तक ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं आई है कि जिसका आप बात कर रहे हैं कोरोना के इलाज की, तो कोरोना का इलाज तो नहीं आया अभी तक, ना ही ऐसे में कोई ऐसी गाइडलाइंस आई हैं या कोई रिकमेंडेशन आई है कि हम घर बैठे कुछ कर सकते हैं। हाँ, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के उपाय जरूर कर सकते हैं, जिसमें अच्छी खुराक, अच्छी एक्सरसाइज, टाइम पे सोना, चिंता मुक्त रहना, खुश रहना, इन चीज़ों से शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है वो नेचुरली बढ़ती है। ये काम आप जरूर घर पर कर सकते हैं, योगा कीजिए, खुश रहिए, ज़्यादा परेशान ना होइए, ये मान के चलिए कि जो हो रहा है सारी दुनिया के साथ हो रहा है, और कहीं ना कहीं हम कभी ना कभी इस लेवल पे आ जाएंगे कि हम इसका तोड़ कुछ ना कुछ निकाल ही लेंगे, तो बस ऊपर वाले भरोसा रखिए और मस्त रहिए। अभी जब लोगों से हम बात करते हैं तो हम जानते हैं, हम उन्हें बोलते हैं कि आप घर से बाहर मत निकलिए, अभी लॉकडाउन है, तो उन सबका यही कहना है कि इस बीमारी की जब तक कोई वैक्सीन नहीं आएगी तब तक इसको तोड़ा नहीं जा सकता। ऐसे में लोगों का कहना है कि अभी हमें घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सभी मार्केट जो है ओपन हो गई है, जिसको जो भी अपनी खरीदारी कर रही है, जिसे जो भी काम कर रहा है वो आराम से कर रहा है उस चीज़ को लेके, तो ऐसे में लोग सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करके नहीं रख रहे हैं, वो किसी भी तरह से जो मतलब कि इसको फॉलो करना चाहिए वो फॉलो करने पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रहे, पूरी तरह से इग्नोरेंस चल रही है बीमारी को लेकर, सब इग्नोरेंस चल रही है। तो ऐसे में उन लोगों का कहना है कि हमें घर से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, लेकिन हम क्या करें, बाहर की जो भीड़ है, जो क्राउड है वो कम नहीं है, और लोगों का घर से बाहर निकलना भी जरूरी है, ऐसे में लोग क्या करें? हालांकि कुछ लोग मास्क यूज करते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि मास्क यूज करने से इस बीमारी से बचा जा सकता है, 3 लेयर तक की जो मास्क हम यूज करते हैं उसके बाद भी संक्रमण का खतरा बहुत पूरा बना रहता है, ऐसे में लोगों को किस तरह से हम अवेयर कर सकते हैं? देखिए, इसमें ना सारे समाज को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी, समाज का हर तबका, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, उसको इसके बारे में गंभीरता से इसको मुद्दे को लेना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन चाहे अमीर है चाहे गरीब है, चाहे छोटा चाहे बड़ा है, पूर्ण रूप से करना पड़ेगा, अदरवाइज इस बीमारी से कोई नहीं बच सकता। हम सोचें कि कोई जो ये बातों को समझते हैं, उन चीज़ों का पालन करते हैं तो वो तो बच जाएंगे, जो नहीं करते वो मारे जाएंगे, ऐसा नहीं है।
जाएंगे तो सारे जाएंगे, बचेंगे तो सारे इकट्ठे मिलके ही बचेंगे। तो मेरी तो ये गुजारिश है, ऐसे में जो आपका साथ आपके नीचे जो काम करते हैं, आपके एम्प्लॉयज हैं, जो आपके घरों में काम काज करने वाले लोग हैं जो इन चीज़ों को नहीं समझते, उनको आप लोग समझाएं, क्योंकि उनकी अगर सुरक्षा करेंगे तो नेचुरली आपकी सुरक्षा अपने आप हो ही जाएगी। तो समझाना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। और ये लॉकडाउन का मतलब ही यही था कि आगे ये लंबी जंग की तैयारी थी, ये नहीं था कि इससे कुछ कोरोना का इलाज हो जाएगा या कोरोना खत्म हो जाएगा, ये नहीं। लॉकडाउन का मतलब यही था कि इस नए तरीके से जीने को सीखो, और जब तक इसका कोई तोड़ नहीं मिलता तब तक इससे लड़ने के ये रास्ते हमारे हाथ में आए। सोशल डिस्टेंसिंग, प्रॉपर हाइजीन, हैंड सैनिटाइजेशन, जो ये हथियार आज की डेट में हमारे पास है उनका भरपूर इस्तेमाल करना, और तो कोई आज की डेट में तरीका ही नहीं, करना तो सभी को पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं। शहर की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी यही अपील है शहर की जनता से कि सतर्क रहिए, जितना हो सके आप सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम उनका पालन कीजिए, खुद भी कीजिए, औरों को भी कहिए, मास्क पहनने के लिए कहिए, हैंड सैनिटाइजेशन बार बार फिर कीजिए, और बस जितना हो सके अपने आप को संभाल के रखिए, अपने पड़ोसियों को, अपने आसपास वालों को, सबको जागरूक करके रखिए। इस बीमारी से लड़ने में जागरूकता ही एक सबसे बड़ा हमारा जो है हथियार है, बिना उसके हम इसके कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप जितना हो सके ऐसे में मदद कीजिए। टाइम्स ऑफ पानीपत के साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर गिरीश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आप लोगों ने, डॉक्टर गिरीश ने बताया कि किस तरह से हम अपने बच्चों को सेफ रख सकते हैं, सिर्फ जरूरत है जागरूक होने की, वैक्सीन इसकी अभी तक आई नहीं है। ऐसे में जो अभी सरकार की तरफ से इससे बचने के जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं हमें उसको फॉलो करना होगा, तभी इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। टाइम्स ऑफ पानीपत के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इसके साथ ही अपने फीडबैक को कमेंट बॉक्स के जरिए हमारे तक भेजिए। धन्यवाद।